वेलकम बैक टू माय नीनूस किचन। सभी को हैप्पी करवा चौथ। और करवा चौथ के उपलक्ष में मैं बना रही हूँ एक आज स्पेशल कचौड़ी। और ये कचौड़ी मैं बनाऊंगी तो प्रॉपर पूरी थाली, बट कचौड़ी कुछ स्पेशल होंगी। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है नॉर्मल गेहूँ का आटा, और इधर लिए मैंने मैदा, और इधर लिए मैंने सूजी, और इसी में मैं थोड़ा सा बेसन भी ऐड करूँगी। तो अगर आप मैदा नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, बट मैदा अगर यूज़ करेंगे तो एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा कचौड़ी में। और इसी में मैं ये डाल दूँगी सूजी, इसी में मैं डालूँगी 2 चम्मच बेसन, इसी में जाएगी थोड़ी सी अजवाइन, इसको क्रश करके ऐसे डाल देंगे। और अब हम इसी में डालेंगे बेकिंग पाउडर, यानी कि सोडा, मीठा वाला सोडा नहीं डालना है हमें, वो बेकिंग पाउडर जो होता है इस तरह से वो डालना है हमें। ये बिल्कुल जरा सा हमें इस तरह से 1 इंच डालना है। इसी में मैं डालूंगी रिफाइंड ऑयल या देसी घी, जो भी आप डाल सकते हैं। हम बना रहे हैं आलू की स्टफिंग, तो फिर इसके लिए हमें थोड़ा सा कम ही रिफाइंड डालना होगा। अगर हम दाल वगैरह की बनाते हैं तो ज़्यादा डालते हैं मौन के लिए, तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच ही रिफाइंड डाल रही हूँ। इसीलिए मैं डालूंगी मैं थोड़ा सा सॉल्ट, और एक अब इसको हम अच्छे तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें कचौड़ी में एक नया सा ट्विस्ट लाने के लिए मैं एक और चीज़ यूज़ करूंगी, वो आप देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए और पूरा देखिए वीडियो का एंड तक, तभी कचौड़ी का मज़ा ले सकते हैं आप करवा चौथ में, और एक स्पेशल सी कचौड़ी बना सकते हैं और अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं और खुद भी व्रत खोलने के बाद में मज़ा लेंगे। चाय के साथ में भी इसको खा सकते हैं, या फिर सब्जी के साथ या चटनी के साथ, जिस तरह से भी आप खाना पसंद करते हैं खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है कचौड़ी। मैंने मोमन को मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसकी कोई हमें मुट्ठी वगैरह नहीं बनानी, बस थोड़ा सा ही डालना है हमें। अब इसमें मैं डालूंगी, मैं कह रही हूँ एक नया ट्विस्ट लाने के लिए, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर दही। इस तरह से 1 चम्मच दही डालेंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। दही और बेकिंग सोडा जब हम डालते हैं तो कचौड़ी में एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, खस्ता बनती है हमारी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से खस्ता, जैसे कि खस्ता बनती है उसी तरह से ये कचौड़ी बनने वाली है। मैं थोड़ी सा क्रश करके मैंने ये कसूरी मेथी डाल दी है इस तरह से, और अब इसको नॉर्मल पानी से डो लगा लेंगे इसका। इस तरह से मैंने रफली डो लगा लिया है। अब इसको हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास समय है तो आप आधे घंटे को भी रख सकते हैं, ताकि हमारी सूजी थोड़ा सा फूल जाए। इधर मेरे आलू बॉइल्ड होकर तैयार हो गए हैं। इनको हमें बहुत ज़्यादा बॉइल नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब हल्का बॉइल करना है, एकदम प्रॉपर बॉइल नहीं करना। इधर मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है। से आलू का प्रॉपर लच्छा बना लेंगे कद्दूकस से कस के। ऊपर में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी डालूंगी हींग, और इसी में डालूंगी मैं धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालूंगी हल्दी, और थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्च, में डालूंगी ये आलू, और इनको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका मॉइस्चर बिल्कुल निकल जाए जो आलू में है हमारे।
इसी में थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। इनको अच्छे से भून लेंगे। आलू को हम जितना अच्छा भूनेंगे उतनी अच्छी हमारी कचौड़ी बनेंगी। सबसे एंड में हमें डालना है नमक, क्योंकि नमक हम पहले से नहीं डालते, फिर हमारे आलू थोड़े से ढीले से हो जाते हैं, यानी कि वो कहते हैं ना कि वो थोड़ा आलू पानी छोड़ देते हैं, तो इसलिए हम उनको एंड में डालेंगे बिल्कुल। और स्टफिंग को हम अच्छे से भूनेंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी स्टफिंग भूनकर तैयार हो गई। इसी में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अगर हम जैसे खस्ता कचौड़ी होती हैं उस तरह से टेस्ट लाना चाह रहे हैं तो फिर अमचूर पाउडर भी डालेंगे। और देखिए क्या वाव, बहुत ही अच्छी हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और जब ये ठंडी हो जाएगी तब भी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। चलिए जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है, जब तक हम देखते हैं अपने आटे को। तो आटा हमारा कुछ इस तरह से हो रहा है। इसको हम फिर और मस लेंगे अच्छे से। तो मैंने डो को मसल कर रख दिया है, कुछ इस तरह से हो गया है। बहुत ही अच्छा सा एकदम बनके रेडी हो गया है। अब चलिए हम बनाते हैं इसकी अच्छी सी बहुत क्यूट सी और छोटी छोटी कचौड़ियाँ। आलू की स्टफिंग जो बनाई थी उसकी गोली बना के रख ली है। इधर मैंने आटा लिया है, लोई ली है, और इसको इस तरह से कटोरी बना लिया है। इस तरह से आप बनाएंगे तो कभी भी आपकी आलू की कचौड़ी नहीं फटेंगी। और इसको यहाँ पर स्टफ कर दिया है। अब इसको हम इस तरह से न्यू लेंगे और बंद करेंगे ऐसे, और फिर इसको एक बार इस तरह से पोटली बना लेंगे इसकी, जैसे हम मोमोज की बनाते हैं उस तरह से। अगर आपकी आलू की कचौड़ी फटती है तो आप इस तरकीब से बनाइए, और ये कचौड़ी कुछ अलग ही बनेंगी, ये आप देखते रहिएगा। और ये हमने इस तरह से बना लिया इसको। अब कढ़ाई में घी डाल दिया, और घी हमारा हो रहा है गरम। तो अब हम इसको बेलते हैं कचौड़ी को। थोड़ा सा मोटा ही रखना है, इस तरह से हल्के हाथ से थोड़ा बेलेंगे। और इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, ये देख रहे हैं आप। अब इसको हम कढ़ाई में छोड़ देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको सेकेंगे हम। देखिए आप कितनी अच्छी सी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। इस तरह से फूली फूली कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी आपकी, ये आप देख सकते हैं। जो कि मैंने आपको पूरी रेसिपी दी है इसकी, और देखिए कितनी खस्ता एकदम, और कितनी स्टफिंग देखिए आप उनकी किस तरह से बनी हुई है, और बहुत ही अच्छी बनी है। इस तरह से आप दही डालकर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है कचौड़ियाँ। और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, और फिर मिलूंगी मैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।